Hello students, my name is Azhar Khan and welcome to my YouTube channel Khan Tixter. This is lecture number 7 of Puzzles Part 6, Family Based Puzzles. So what will be your job to tackle these type of question will be, some clues are given regarding relationship among different members of a family together with their professions, qualities, dresses, preferences. You have to analyze the whole information and then answer the questions accordingly. तो आज का जो लेक्चर है हमारा ब्लड रिलेशन का एक मान लीजिए एक्सटेंडेड वर्जन ही है. तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन का लेक्चर आपको देखना है, ऊपर मैं आई बटन दे दूंगा, ठीक है. सो आपको आज क्या करना है, कुछ रिलेशनशिप्स गिवन होंगे फैमिली मेम्बर्स के बीच में. ये तो ब्लड रिलेशन तक ही था, लेकिन इस बार आपको उनके प्रोफेशंस, क्वालिटी, ड्रेसेस, प्रेफरेंसेस भी गिवन होंगे. यू हैव टू एनालाइज दैट होल इन्फॉर्मेशन एंड देन आपको क्वेश्चन के आंसर करने अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो आज की इस क्लास को हम कवर करेंगे टोटल 3 क्वेश्चन के साथ एंड ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर MBA एंट्रेंसेस की, ठीक है. तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज MKJTRDW आर 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. देयर आर 2 मैरिड कपल्स अमंग देम बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट जनरेशंस. तो मैरिड कपल्स हम किससे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइन से. 2 मैरिड कपल्स हैं एंड जनरेशन कितनी है, 2 डिफरेंट जनरेशन. दोनों कपल दोनों डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं. जनरेशन हम किससे डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन से. ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट चॉइस ऑफ क्यूसिन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, मालवानी. हर फैमिली का मेंबर एक अलग खाना पसंद करता है, ठीक है. और उनके नेम्स यहाँ पर गिवन है. अब क्वेश्चन देखिए कहाँ से इन्फॉर्मेशन शुरू होती है. मेन इन्फॉर्मेशन, द ग्रैंडफादर इन द फैमिली लाइक्स गुजराती फूड. नन ऑफ द लेडीज लाइक कॉन्टिनेंटल और थाई फूड. टी इज सन ऑफ एम हु लाइक्स चाइनीज फूड. W is J's daughter in law and she likes South Indian food. K is grandfather of D who likes Punjabi food. J is mother of R who likes continental food. ठीक है. So यहाँ पर मैंने आपको बता दिया married couples 2 parallel line से denote होते हैं और generations vertical line से and siblings को denote करते हैं हम horizontal line से, ठीक है, brother and sisters को. And positive sign होता है हम male के लिए use करते हैं and negative sign फीमेल के लिए. मान लीजिए ए अगर मेल है तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, पॉजिटिव. ए पॉजिटिव क्या होगा, एक मेल मेंबर होगा, ठीक है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था ब्लड रिलेशन का, आई एम श्योर आपने उसमें किया होगा, ठीक है. सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक हम उनसे कलेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन को एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे. उनके फेवरेट जो भी यहाँ पर रिलेशन दिया है, क्यूसिन दिए हुई हैं, ठीक है, फेवरेट खाना दिया हुआ है, तो उनके साथ उसको डिनोट कर देंगे हम, ठीक है. सो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, अपने मेन ट्री डायग्राम हम उसको ड्रॉ करेंगे. देखिए यहाँ पर द ग्रैंडफादर इन द फैमिली लाइक्स गुजराती फूड. तो ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडफादर गुजराती फूड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं. नन ऑफ द लेडीज लाइक कॉन्टिनेंटल और थाई, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल एंड थाई क्या होंगे, मेल मेंबर पसंद करेंगे. तो पॉजिटिव साइन यहां पर आप लगा दीजिए दोनों के, ठीक है. टी इज सन ऑफ एम, टी इज सन ऑफ एम, सो टी इज सन ऑफ एम, ठीक है. सो ये हमने यहाँ पर कर दिया. एम क्या है, हु लाइक्स चाइनीज फूड, हु लाइक्स चाइनीज फूड, कौन एम, सो यहाँ पर चाइनीज, ठीक है. ये छोटे छोटे ट्री डायग्राम ड्रॉ हो जाएंगे, फिर उसको हम कलेक्ट करके एक बड़ा ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमारा मेन होगा. डब्ल्यू इज जेज डॉटर इन लॉ, डब्ल्यू इज जेज डॉटर इन लॉ, यानी कि जे का कोई क्या होगा, सन होगा, उसकी जो वाइफ है वो कौन है, डब्ल्यू, ठीक है. एंड शी लाइक्स साउथ इंडियन फूड, डब्ल्यू लाइक्स साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन, ठीक है. एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई. के इज ग्रैंडफादर ऑफ डी हु लाइक्स पंजाबी फूड. डी क्या लाइक करता है, पंजाबी फूड. के ग्रैंडफादर है, इसका मतलब यहां पर हमने ग्रैंडफादर गुजराती फूड लाइक किया था, तो ये हो गया हमारे, हमें पता चल गया के हैं ग्रैंडफादर, ठीक है. सो के इज द ग्रैंडफादर. अब यहां पर 2 जनरेशन गैप होगा क्योंकि ग्रैंडफादर दिया हुआ है, तो डी कौन है, ग्रैंड सन है या फिर डॉटर है, ये नहीं पता अभी हमें, ठीक है. के इज ग्रैंडफादर ऑफ डी, यहां पर ये पता है बस के ग्रैंडफादर है.
के क्या कौन सा फूड लाइक करता है? गुजराती, ये हमें गिवन है। और डी कौन सा फूड लाइक करता है? पंजाबी फूड। सो ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। एंड लास्ट में जे इज मदर ऑफ आर हु लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड। जे इज मदर ऑफ आर, जे इज मदर ऑफ आर, आर कौन सा फूड लाइक करता है? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। तो देखिए ये चीज कॉन्टिनेंटल यहां पर क्या था, मेल लाइक करता है, तो इसका मतलब आर क्या होगा? एक मेल मेंबर होगा फैमिली का। तो ये होल इंफॉर्मेशन हमने इतने बड़े पैराग्राफ को छोटी सी इंफॉर्मेशन में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम कंबाइंड करेंगे। देखिए यहां पर दो जनरेशन में ही बात हो रही है, जो फैमिली है दो जनरेशन है उसकी टोटल, तो हम इस डायग्राम को एक अपना बेस लेके चलेंगे। देखिए के पॉजिटिव ये है गुजराती फूड्स लाइक करते हैं, एंड ये हमारी जनरेशन होगी, यहाँ पर हो गया हमारा डी पंजाबी, पंजाबी फूड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के पॉजिटिव आ गया, अब यहाँ जे नेगेटिव आर पॉजिटिव कॉन्टिनेंटल है, इसका मतलब देखिए, और ये दो जनरेशन है, देखिए जे का कोई बेटा होगा और उसकी वाइफ है डब्लू, और ये दो डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अगर कंबाइंड करेंगे तो एक और है एम चाइनीज भी है, चाइनीज टी पॉजिटिव भी है, ठीक है। सो पहले ये कंबाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर ये जे नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो होगा ये के की वाइफ होगी जे, ठीक है, एंड जे की, जे का जो बेटा है आर और एक एम है, ठीक है। एक क्या है? एम, जो चाइनीज फूड लाइक करता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एम कर दूँ पॉजिटिव चाइनीज, तो एम और आर क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? आर इसका ब्रदर हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल। सो ये कंप्लीट डायग्राम है, यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देता हूँ। सो यहाँ पर एम पॉजिटिव, हस्बैंड वाइफ कौन होंगे? डब्ल्यू नेगेटिव, शी लाइक्स साउथ इंडियन। देखिए थोड़ा लेंदी होगा बट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो विद इन 5 to 6 मिनट्स में ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, और आप जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो विद इन सेकेंड ही सॉल्व हो जाते हैं, एज़ यू नो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने बताया, मैंने आपको बताया है कि जो मेन काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, वो अरेंजमेंट मेन काम होता है, ठीक है। सो आर पॉजिटिव ही हो गया इसका सिबलिंग। सो आर, आर कौन सा फूड लाइक करता है? आर लाइक्स चाइनीज कॉन्टिनेंटल, दिस इज कॉन्टिनेंटल, एंड एम लाइक्स चाइनीज, ठीक है, ये कलेक्शन हो रहा है हमारा। एंड लास्ट बचा है हमारा कौन? टी पॉजिटिव। एम का बेटा और कौन है? टी, यानी कि ये दोनों सिबलिंग्स होंगे, टी पॉजिटिव, एंड टी लाइक्स, टी लाइक्स थाई होगा क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ, टी लाइक्स थाई फूड, ठीक है। एंड एक बचा है जे नेगेटिव, जे नेगेटिव कौन सा फूड करेगा? मालवानी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक ट्री डायग्राम उनके क्यूसाइन के साथ, ठीक है, चाइनीज कॉन्टिनेंटल थाई, एंड उनके रिलेशन भी हमने यहाँ पर बता दिए क्या है। दो जनरेशन में दो कपल्स जो था हमें गिवन थे, के पॉजिटिव जे नेगेटिव, जो उन्होंने बोला था कि फैमिली में दो कपल्स हैं दो डिफरेंट जनरेशन के, ठीक है। बट हमें एक चीज़ नहीं पता यहाँ पर, डी का ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। सो ऐसे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, जैसे एक क्वेश्चन में एग्जांपल ले लेता हूँ, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेल मेंबर कितने हैं, तो देखिए मेल मेंबर एक के हो गया, एम हो गया, टी हो गया, आर हो गया, बट डी का हमें नहीं पता कि डी मेल है या फीमेल है, तो इसमें क्या होगा? आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ लेगा व्हाट इज़ द क्यूसिन ऑफ आर, तो कॉन्टिनेंटल, व्हाट इज़ द क्यूसिन ऑफ डब्ल्यू, तो साउथ इंडियन, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 2 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन्स ए बी सी डी एंड ई, दे आर वर्किंग एज अ टीचर, अ डॉक्टर, अ लॉयर एंड अ ट्रेडर फार्मर। एक फैमिली है 5 पर्सन्स की ए बी सी डी एंड ई, जिनके अलग अलग प्रोफेशंस हैं। बी एन एन मैरिड टीचर इज अ डॉक्टर ऑफ ए, ई अ लॉयर इज द ब्रदर ऑफ सी,
सी इज द हस्बैंड ऑफ ओनली मैरिड कपल इन द फैमिली. ए अ फार्मर इज अ फादर ऑफ टू सन्स एंड एन अनमैरिड डॉटर. डॉटर इन लॉ ऑफ ए इज अ डॉक्टर. तो क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है हमें, ठीक है. बी एन अनमैरिड टीचर इज अ डॉटर ऑफ ए. बी कौन है, एक डॉटर है ए की. बी इज अ डॉटर ऑफ ए. तो इस तरीके से हम लिखेंगे. अनमैरिड टीचर है तो बी कौन है, टीचर. शी इज अनमैरिड, ठीक है. देन ई अ लॉयर इज द ब्रदर ऑफ सी. ई अ लॉयर इज द ब्रदर ऑफ सी लिख लेते हैं. ई कौन है, लॉयर है, ठीक है. सेकेंड इन्फॉर्मेशन होगी, सी इज द हस्बैंड ऑफ ओनली मैरिड कपल इन द फैमिली. सी कौन है, हस्बैंड है किसका, ओनली मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल है फैमिली में और वो जिसका हस्बैंड है सी, ठीक है. अभी इसका हमें वाइफ नहीं पता तो हमने इसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया. ए अ फार्मर इज द फादर ऑफ टू सन्स एंड एन अनमैरिड डॉटर. इसका मतलब ए जो है वो यहाँ पर फादर दे दिया, फादर, और ये किसका फादर है, दो टू सन्स एंड अनमैरिड डॉटर. अनमैरिड डॉटर हम यहाँ पर डिनोट कर चुके हैं. दो बेटे कौन होंगे, ऑब्वियसली ये यहाँ पर हमें ई और सी दिया हुआ, तो इन दोनों को हमने मैच कर देते हैं, इन दोनों ट्री डायग्राम को. ई पॉजिटिव लॉयर है एंड सी पॉजिटिव, देन ए बी सी डी बचा, तो डी कौन होगी, सी की वाइफ होगी, ठीक है. सो इनके प्रोफेशन देखिए, ए जो फादर है वो कौन है, फार्मर, एंड बी इज अ टीचर, ई इज अ लॉयर, सी कौन है, देखिए अब इनके प्रोफेशन हमें लिखना है. बी एन अनमैरिड टीचर इज अ डॉटर ऑफ ए, ये हो गया. ई अ लॉयर हो गया, इज अ ब्रदर ऑफ सी. सी इज द हस्बैंड ऑफ ओनली मैरिड कपल इन द फैमिली. ए अ फार्मर इज द फादर ऑफ टू सन्स एंड एन अनमैरिड डॉटर. डॉटर इन लॉ ऑफ ए इज अ डॉक्टर, इसका मतलब जो डॉटर इन लॉ डी जो है वो कौन है, डॉक्टर. अब एक प्रोफेशन बचा है, कौन सा, सी का प्रोफेशन क्या होगा, ट्रेडर. सी कौन होगा, ट्रेडर, ठीक है. तो इस पे बेस्ड आपसे 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. एंड एज एन एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैरिड कपल. अब इनमें से कौन सा मैरिड कपल है ये हम निकाल चुके हैं, सी और डी, ठीक है. एक बार आप अरेंजमेंट कर लीजिए, आप कितने भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो पूछे जाएंगे उनके आंसर इजीली दे सकते हैं. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, पी क्यू आर एस टी एंड यू. देर आर 2 मैरिड कपल्स, क्यू इज अ डॉक्टर एंड अ फादर ऑफ टी, यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज अ हाउस वाइफ. देर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 नर्स, 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली. सो सेम वही है, फैमिली मेंबर्स गिवन है एंड उनके प्रोफेशंस, ठीक है, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स हैं और एक डॉक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक नर्स, एक हाउस वाइफ. तो इस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं. देखिए यहाँ पर 2 मैरिड कपल हैं, इसका मतलब 2 पैरेलल लाइन्स होंगी हमारी. क्यू इज अ डॉक्टर एंड अ फादर ऑफ टी. क्यू इज अ डॉक्टर, क्यू एक डॉक्टर है एंड इज अ फादर ऑफ टी. सो ऐसे डिनोट करेंगे हम. यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर. यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर. देखिए यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर. सो ग्रैंड फादर के लिए डबल जनरेशन हो गई यहाँ पर हमारी, 2 जनरेशन, एक वर्टिकल दूसरी वर्टिकल लाइन, 2 जनरेशन होगी ग्रैंड फादर ऑफ आर. सो यहाँ पर ग्रैंड फादर पॉजिटिव एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर. जो यू है वो कौन है, कॉन्ट्रैक्टर. तो इसका भी प्रोफेशन हमें पता चल गया. आगे चलते हैं. एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी. एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी. अब जनरेशन क्या है हमारे, 2 मैरिड कपल हैं. यहाँ पर एस इज अ ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो इसका मतलब एस इज अ ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये वाले इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे. एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज अ हाउस वाइफ. ये कौन है, हाउस वाइफ, ठीक है. देर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर. अब देखिए इस इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम मैच करें तो यू कौन होगा, इसका हस्बैंड, एस का हस्बैंड, यू पॉजिटिव हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है. एंड क्यू कौन होगा, इसका सन, और इसकी कौन होगी, वाइफ होगी. और टी और आर एक ही जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे. क्लियर है, ये दोनों कौन होंगे, सिबलिंग्स होंगे. अब एक कौन बचा, पी बचा, तो पी कौन होगी, इसकी वाइफ, विच इज़ अ, देखो 1 डॉक्टर हो गया हमारा, एक डॉक्टर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और एक नर्स बचा, तो पी कौन होगा, नर्स.
एंड जो दो उनके बेटे होंगे या डॉटर होंगी, ये नहीं गिवन है इनका मेल मेल है या फीमेल है, ये नहीं पता। तो ये कौन है? ये स्टूडेंट्स हैं दोनों, ठीक है? ये दोनों क्या हैं? स्टूडेंट हैं। अब देखिए, ये हमारा ड्रॉ हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, एज एन एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मैरिड कपल्स, इनमें से कौन से दो मैरिड कपल हैं? देखिए, आपको पहले से ही पता है एस यू एंड पी क्यू, एस यू एंड पी क्यू, एस यू एंड पी क्यू। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।